बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉलीवुड और बेल आइकन पर प्रेस करें। 50 करोड़ की जायदाद, इकलौती वारिस, बचपन में देखा था इसे, लगता है जवानी के बहुत कम दिन देख पाएगी बेचारी। शादी करने इंडिया आ रही है, मौत भी किसे कहां कहां खींच कर ले आती है। अच्छा गेम खेलने का मजा आएगा। रॉबर्ट। यस सर। बल्ला से कहो कि वो शांति वाला पहुंचकर डिसोजा की जगह पे लग जाए। जी सर। लेकिन सर मिस्टर भल्ला का एक फैंटास्टिक आइडिया है, क्यों ना हम डिसोजा को जूनागढ़ की पहाड़ी पर से। रॉबर्ट, भल्ला का आइडिया अपने पास ही संभाल कर रखना। इस गेम का हर पत्ता कैसे पीसना है मुझे अच्छी तरह आता है। ये गेम तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गेम है, इसका तो हर पत्ता मैं सोच समझ कर उतरूंगा। इनमें से एक भी ठीक नहीं है रॉबर्ट, एक भी। किसी की नाक टेढ़ी है तो किसी की आंखें, किसी के कान छोटे हैं तो किसी के कान बड़े। मुझे लगता है इंडिया आना ही बेकार हुआ। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है अपने मैनेजर डिसूजा पर, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी तस्वीरें मेरे सामने लाने की। वैसे वो है कहाँ अब? डिसूजा नहीं है मैडम। तुम कौन हो? ये कौन है रॉबर्ट? ये हमारे नए मैनेजर। विनोद नाम है मेरा, लेकिन सारा शहर मुझे भल्ला के नाम से जानता है। भल्ला? लेकिन डिसूजा कहाँ है? हाँ उनकी तो छुट्टी हो गई मैडम। इनका मतलब ये है कि डिसूजा एक लंबी छुट्टी पर गए हैं। अब यहाँ का सारा इंतजाम हम करेंगे। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। रॉबर्ट, मैडम को आराम करना है और हमें काम करना है। कमान पालो में। देखा फिर वही हो गया ना। आइए प्लीज प्लीज, पहले आप। नहीं पहले आप। नहीं नहीं, आइए ना, आइए ना, पहले आप। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। भाई साहब, पहले आप, पहले आप, पहले आप। मैं नवाब साहब की गाड़ी छूट गई थी, बॉबी फिल्म में राज कपूर साहब ने यही बताया है। अब ये गाड़ी ना छूटे इसलिए पहले मैं चलता हूँ, आप लोग बाद में आइए। अच्छा चलिए चलिए चलिए, प्लीज आइए आइए। आप करते क्या? जी कुछ नहीं। अच्छा, मेरा मतलब है जी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाप ने बहुत कमाया है, बाप का बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा कारोबार है। कौन सा बिजनेस? गारमेंट्स, गारमेंट्स का बिजनेस है। हम लोग गारमेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ कुछ नहीं आता है, सब बाहर जाता है, सब बाहर जाता है। नाम सुना होगा आपने, चौधरी एंड सन्स। चौधरी एंड सन्स, हाँ हाँ, चौधरी एंड सन्स। सुना है, नाम सुना है? सुना है हाँ, क्योंकि आपके यहाँ जो कपड़ा आता है वो हमारी कंपनी से आता है, मैदान ग्रुप टेक्सटाइल कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है। बहुत लोगों को उधार देते हैं, सबको सबको उधार देते हैं। चौधरी एंड सन्स, आपका भी कुछ उधार बाकी है शायद? देखूंगा देखूंगा, अकाउंट देखूंगा। मेहता टेक्सटाइल्स, अरे जब मेरा चौधरी एंड सन्स ही नहीं है तो तेरा मेहता टेक्सटाइल्स कैसे हो सकता है? चौधरी एंड सन्स, शक्ल से तो बीडी के कारखाने का मजदूर लगता है साला चूसावाम। ये टोपी आपने कहां से ली? फ्रांस से? नहीं नहीं, स्विट्जरलैंड से। मैं वहां अक्सर जाते रहता हूं, मुझे वहां की शाम बहुत पसंद है। नहीं नहीं, टोपी भी बहुत अच्छी लग रही है, आप पे बहुत सूट हो रही है। साला ऐसे लग रहा है जैसे बंदर के सर पे तरबूज। ये लाल जैकेट आपने कहां से लिया? कहीं ये चौधरी एंड सन्स का तो नहीं? नहीं नहीं, फिर आपने अमेरिका से लिया होगा। नहीं, मैंने ये न्यूयॉर्क से लिया है। न्यूयॉर्क? अच्छा अच्छा, मैंने सोचा अमेरिका से लिया होगा। साला मैं भी फेंकू और ये भी फेंकू, सर्कस का रिटायर्ड बंदर लगता है। आप लोग क्या कह रहे हैं? ऊटी। ऊटी तो मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा, अच्छा? आप भी जा रहे हैं? लगता है हम तीनों की मंजिल एक ही है। घूम के देगा सफर। हाँ। यार मेरी जोकी। अरे क्या बात करता है। अरे अरे ये क्या, दो चाय क्यों? एक का वापस ले जाओ, एक का वापस ले जाओ। लेकिन मैं भी तो पीऊंगा। अरे यार, दो दोस्त एक प्याले में चाय पियेंगे, इससे दोस्ती बढ़ती है क्या? अच्छा, ये ले पी। अरे ये हम लोग चाय नहीं बांट रहे दोस्त, प्यार बांट रहे हैं, प्यार। ये ले।
अरे ये क्या कर रहा है, वापस रख, वापस रख, मैं पैसे दूंगा, पैसे मैं दूंगा, वापस रख। नहीं नहीं, क्यों? ये नहीं चलेगा, ये गलत बात हो गई, ये गलत बात हो गई, वापस रख, वापस रख। एक ही बात नहीं, नहीं नहीं, ये एक बात नहीं, ये गलत बात हो गई, ये कैसी दोस्ती, पैसे दूंगा। अच्छा अच्छा, ले लेता हूं, ठीक है। अब तू जबरदस्ती कर रहा है तो तू दे दे, लेकिन देख अगली बार मैं दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा, बार बार तू देगा, ये क्या बात हुई। चल ले चाय पी। ए बटला डनी, इधर आ, ये ले जा, चल। तू देखना प्रेम, आगे चलकर लोग हमारी दोस्ती की मिसाल देंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं। ए अमर, वो देख तेरी होने वाली भाभी, सो स्वीट। तेरी शादी माधुरी दीक्षित से हो रही है? नहीं वो नहीं, उसके नीचे वाली रवीना फ्रॉम लंदन। अबे वो मेरी भाभी नहीं, तेरी भाभी है, समझा? ए अमर, हमारी दोस्ती, हमें दोस्ती कहीं भाड़ में, वो भाभी होगी तेरी और शादी होगी मेरी। हाँ उई माँ, ये तो तू सुक्का पलटी खा रहा है। हाँ पलटी खा रहा हूँ तो क्या हो गया, मैं तो तुझे पहले ही पहचान गया था, रवीना से शादी करेगा। थोबड़ा देगा अपना, ये चवन्नी की टोपी पहन के पता क्या लग रहा है, साला बंदर के सर पे तरबूज, तरबूज, तरबूज। और तू ये फुटपाथ का लाल जैकेट पहनकर, तू सर्कस का रिटायर्ड मंकी लग रहा है, मंकी बंदर, तू चूसा आम और जिंदगी छोड़ो, मैं करो जिंदगी छोड़ो। शांति शांति। हेलो सर, हेलो, आई एम अमर। हेलो अमर, एंड आई एम प्रेम। हेलो प्रेम, अमर प्रेम। अरे क्या बात, क्यों नहीं, क्यों नहीं, गुड, वेरी गुड, वेरी। सर लगता है ये पुलिस स्टेशन नया खुला है। बिल्कुल नया है। अच्छा सर, ये दोनों, एक मिनट यार, बात कर रहे हैं। तुम चुप रहो यार। बिल्कुल नया है, ढाई महीने के रिकॉर्ड टाइम में हमने खड़ा किया है। सर ये दोनों, अरे यार मैं जानता हूँ ये दोनों अमर प्रेम है। अरे जब बड़े बात कर रहे हैं तो छोटों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। चुप रहो, चुप रहो सर, ये दोनों, हर चीज नहीं है यहाँ पे। अच्छा। टेबल नया, कुर्सी नहीं, हर चीज नहीं है यहाँ पे। बस एक रिबन काटने वाले का इंतजार है। रिबन? रिबन? लॉकअप का रिबन काटना पड़ेगा ना। उसके लिए मुझे एक चोर, एक चक्का, कोई बदमाश, कोई लफंगा चाहिए मुझे। रिबन काटेगा और जो मुझे, मुझे। अच्छा हम लोग चलते हैं सर, अच्छा हम लोग चलते हैं, बहुत खुश हुई आपसे मिलकर। थैंक यू सर। इन्हें रिबन काटने के लिए लाया था सर। हाँ ये तीन नंबर के दोनों गुंडे हैं। हाँ रास्ते में उठा पटक कर रहे थे। उठा पटक? सर मैं नहीं सर, सर ये। हाँ सर। नहीं नहीं मैं नहीं सर, ये सर। सर शुरुआत इसने की थी। हाँ नहीं सर, पहले हाथ इसने छोड़ा था सर। अरे टंगड़ी किसने मारी थी? और पहले गाली किसने दी? साला किसने पहले बोला था? साला मैंने, नहीं साला मैंने नहीं बोला था। साइलेंस, दोनों को अंदर कर दूंगा। सर मेरी शक्ल देखिए सर, क्या मैं मारपीट कर सकता हूँ? नहीं मैं तो अहिंसा का पुजारी हूँ सर। सर ये एक नंबर का झूठा है सर, ये आपकी शक्ल पे जा रहा है सर, ये आप उल्लू समझ रहा है। उल्लू? हाय ला सर, आपको उल्लू बोला, आपको गाली दी। अरे उल्लू खादा बेवकूफ तो मैं भी बोल सकता था, लेकिन मैंने बोला नहीं नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो आप शक्ल से दिखते हैं वो है नहीं। तुम लोग दोनों मिलकर मुझे मेरे ही पुलिस स्टेशन में गालियां दे रहे हो। गाली इसने आपको दी, इसको अंदर कीजिए, मुझे बाहर कीजिए। हेलो, अरे साहब बिजी है, अरे कमिश्नर होगा अपने घर का होगा। सर कमिश्नर का फोन था, पत्ता काट ही दिया, और आपको कानून सिखा रहा है, बोल रहा है कि मुझे अंदर कर दो। लेकिन सर मैं जानता हूँ कि आप ग्रेट हैं, और आपने चोर को पहली नजर में पहचान लिया होगा। सर मस्का लगा रहा सर, पोल्सन पोल्सन सर, ये कहीं रिबन शक्कर का मैं इसमें, ए शक्कर ला, शक्कर ला रे सर, झूठी नैपकिन चाय झूठी की सर, मेरी चाय झूठी, रख दे इसको अंदर, अंदर कीजिए। मेरी चाय पी गया, मुझे गालियां दी, मैं तुम दोनों से तंग आ गया हूं सर। तुम जाओ जाए, मैं तुम दोनों से एक एक करके निपटूंगा। सर पहले मुझसे, मुझे सर जल्दी है सर, सर मुझे कोई जल्दी नहीं। तुम जाओ, तुम जाकर वहां बैठो, जाओ जाओ बैठो। बात बात पे पिस्तौल दिखाता है खड़ूस। हाँ प्रेम साले का पर्स मारा था, देखता हूँ कितना माल है साले करोड़पति के पास। बंदर साला है, खाली पॉकेट मार, तेरा मुंह काला, अबे तेरी तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब तुम उधर जाओ सर, लेकिन प्लीज उधर जाओ। क्यों नहीं, क्यों नहीं? ए, तुम इधर आओ। मैं? हाँ इधर आओ। हाँ
सर, सुनने सुनाने का टाइम गया, अब मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जिस चोर चक्के की आपको तलाश थी उसे मैं पकड़ के लाया हूँ। इसकी भोली शक्ल पर मत जाइए, दरअसल ये बहुत ही कमीना और खतरनाक मुजरिम है। अब आप इस पर कोई अच्छा सा दवा लगाकर इसे अंदर कर दीजिए। एक मिनट। अरे ये आप इधर इधर क्या देख रहे हैं? उधर इधर देखिए, उधर इधर। सर ये मैं नहीं हूँ सर, ये मैं नहीं हूँ सर। चले, ये मेरा जुड़वा भाई है। पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा। तालियां तालियां। फोटो फोटो फोटो, एक फोटो, एक ऐसे पकड़े हुए। हाँ ये, अरे मेरा भी फोटो। ये ले तेरा पर्स। क्यों बच्चू, तू मेरा पर्स मारेगा और मैं तेरा पर्स छोड़ दूंगा? पांच रुपए छोड़े मुश्किल में काम आएंगे, मैं चला। देखो इस लॉज में एक भी रूम खाली नहीं है। तो खटिया दे दीजिए। खटिया भी खाली नहीं है। तो खटिया के नीचे डाल दीजिए, मैं वहीं सेटल हो जाऊंगा। देखो तुम्हें देखिए, आपके भगवान आपको देख रहे हैं, आपके भगवान आपको देख रहे हैं। आपकी तरह मैं भी उन्हीं का एक भक्त हूँ। अगर आज मुझे सोने की जगह नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। मर जाऊ, अगर मैं मर गया तो मेरी अंधी बहन और विधवा माँ, अंधी बहन और विधवा माँ। हे भगवान, ये तो हमसे घोर पाप हो जाता। देखो सुनो, ऊपर एक रूम है, चलेगा, उसमें काफी सामान पड़ा है और एक चलेगा चलेगा चलेगा। चलो शिवराम जी। हाँ, आप पुरुष नहीं? हाँ, क्या महापुरुष है, महापुरुष। बोलो नहीं, सुनते रहो, फॉलो मी। चलिए शिवराम जी, ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? बोलो नहीं, सुनते रहो। सोते समय आवाज तो नहीं करते हो ना? नहीं नहीं, पास में ही कब्रिस्तान है, वहाँ से कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। नहीं नहीं, रात को एक से दो के बीच नहाने का पानी आता है, नहा लेना। रात को एक से दो के? बोलो नहीं, सुनते रहो। अंदर जो पंखा है ना, उसे छेड़ना नहीं, कभी भी गिर सकता है। और सूरज ढलने के बाद बत्ती नहीं जलाना इधर। लेकिन सूरज ढलने के बाद ही तो बत्ती, मेरा मतलब है ये कपड़े कैसे बदलूंगा मैं? कपड़े बदलने के लिए बत्ती की क्या जरूरत है? फटाफट उतारो और सो जाओ। किसी को कुछ देखना दिखाना है क्या? नहीं। साला मोटा, बत्ती भी नहीं जलाने देता। कोई बात नहीं चीते, एक दफा रवि ना तेरी जिंदगी में आ जाए फिर बत्ती बत्ती है, बत्ती बत्ती। ओह बहुत थक गया रे। आए हाँ, बिस्तर चलो सो जाओ। ओह तुम्हारा अमर आ गया रवीना। उस प्रेम ने तो मुझे फंसा ही दिया था, लेकिन तुम्हारे प्यार ने मुझे बचा लिया। तुम्हारे बारे में बहुत सारे गधे सोच रहे होंगे रवीना, लेकिन जब तुम प्रेम से मिलोगी तो प्रेम के प्रेम में प्रेम दीवानी हो जाओगी मेरी प्रेमिका। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है रे? तू यहाँ क्या कर रहा है? लगता है मर गया साला, बेचारी की आत्मा भटक रही है। तेरी आत्मा भटक रही है। अबे चल, अबे चल, अबे हट जा, उड़ उड़। आइला ओए माँ, अबे अमर तू कैसा है रे? हाँ फर्स्ट क्लास, तू कैसा है रे? टिप टॉप। हाँ? अबे तू तू तू, तू यहाँ कैसे? अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? देख अमर, पहले मैं यहाँ आया। धोखे से आया था तू? देख अमर, पहले बस तूने मारा था, हाथ पहले तूने मारा था। क्या बोलो? अरे भाई ये क्या हो रहा है? मेरी लॉज में दंगा फसाद मारपीट? हाँ? नहीं नहीं, मारपीट नहीं, मारपीट नहीं, प्यार प्यार। शिवराम जी, क्या है कि हम लोग बचपन में बिछड़ गए थे, इसलिए प्यार उमड़ है, प्यार उमड़ है, भरपूर प्यार। क्यों रे प्रेम, तू क्यों बिछड़ गया? नहीं नहीं, मैंने ही बिछड़ा था। हम लोग कुंभ के मेले में खो गए थे, कुंभ के मेले में, इसने मेरा हाथ छोड़ा था, तूने मेरा हाथ क्यों छोड़ा? आजा मेरे गले मिल जा मेरे भाई, आजा। अब मुझे कहीं नहीं छोड़ना, कहीं नहीं छोड़ना। कितना मोटा हो गया रे? हाँ मोटा हो गया, नटखट। गले मिलो। तुम दोनों का प्यार देखकर मुझे रामानंद सागर की रामायण का वो एपिसोड याद आ गया जिसमें भगवान राम और भरत का मिलाप हुआ था। गुड नाइट, गुड नाइट। जय श्री राम। मेरे भाई मर, मेरे दोस्त के पास तू, अबे तेरी तो मैं छोड़ूंगा तेरे को। चल चल चल, तू तेरी तो
ए, दो नहीं, एक चाय वापस, एक चाय वापस। दो दोस्त एक प्याले में चाय पियेंगे, इससे प्यार बढ़ता है। अबे रख, जा। अबे काय का तू यार, भाड़ में गया तेरा प्यार। अबे सुबह से समझा रहा हूँ कि रवीना तेरी हैसियत की नहीं, एक तो समझता नहीं ऊपर से भड़कता है, बेवकूफ। चल छाना मारो भोपाल निकल। अबे हुल दे रहा, मसल देखा, मसल मसल के रख दूंगा। अबे बॉडी दिखाता है, डेढ़ पसली। सुन ले रवीना मेरी है, मेरी। हाँ तेरी भाभी है क्या? अरे तुम लोग आपस में इस तरह से लड़ क्यों रहे हो? रवीना तीनों में से जिसके नसीब में होगी उसे मिल जाएगी। हाँ। ये तीसरा कौन है? अबे तीसरा कौन है रे? क्यों मैं भी तो हूँ। अबे तू, तेरी ये जुर्रत तूने सोच भी कैसे लिया? अरे जैसे तूने सोच लिया। ए अमर बहुत हो गया, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। मैं हाँ, क्या करेगा तू? हाँ क्या करेगा? मैं सोचूंगा सोचूंगा। अरे सोचने का टाइम नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ हम तीनों ही यहाँ रवीना से शादी करने के लिए आए हैं? अरे जरा वहाँ जाके देखो, हजारों लोग जमा हैं। अच्छा, लाइन लगी हुई है, टोकन बट रहे हैं इंटरव्यू के लिए, 20 घंटे लाइन में खड़े होके। ओए मां, 717, अरे मेरी रवीना का इतना डिमांड? अच्छा अच्छा, हद हो गई ये बेकारी की। शर्म आनी चाहिए इस देश के नौजवानों को। एक अमीर लड़की की आ गई, सबके सब उसके पीछे लग गए राल टपकाते हुए। न सूरत न शक्ल न अकल, जिसे देखो चला रहा है। अबे तू भी तो आया। अरे मेरी बात और है यार। अब सुनो, सबसे पहले हमको एक काम करना होगा। जितने लोग इस चक्कर में यहाँ आए हैं, पहले उनका पता काट, उसके बाद जिसके नसीब में होगी उसको मिलेगी। अबे जिसके नसीब में होगी उसको मिलेगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो यार, पॉकेट में रवीना।